आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। कुछ पंछी का घोंसला दिखाएंगे, जो बुलबुल पंछी होती है, बुलबुल पक्षी होती है, हम लोग बंगाली में बुलबुल पाखी बोलते हैं। तो बुलबुल पाखी का जो है आप लोगों को घोंसला दिखाएंगे। हमारे घर के सामने एकदम बिल्कुल ही जो है अपना घोंसला बनाए हैं, तो उसका घोंसला भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब घोंसला है। देख सकते हैं पूरा कांटे के झाड़ के अंदर है जो अपना घोंसला बना के रखे है। अभी फिलहाल देखे जो यहाँ पे एक अभी अंडा है घोंसले के ऊपर, देख सकते हैं घोंसले के अंदर अभी एक अंडा है। तो ये बुलबुल पाखी जो होती है ये मिनिमम जो है 3 अंडा देती है, और इसके 3 अंडे के बाद जो बच्चे जो निकालती है वो बच्चे तक को आप लोग को दिखाएंगे। थोड़ा वेट करके, और इस वीडियो को बनाने में तकरीबन हमको लग गया 8 से 9 दिन लग गया। तो आप लोग को टोटली दिखाएंगे पूरा वीडियो, आप लोग एंड तक जरूर बने रहना। और वीडियो जो मेरे देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा टाइम फॉलो और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर हम लोग दूसरे दिन सुबह जो है उसी घोंसले के सामने जा रहे हैं, तो देखेंगे अभी अंडा कितना है, वही एक है कि या दूसरा है या फिर तीसरा है, कितना अंडा है। तो हम लोग दूसरे दिन आके अभी यहाँ पे जो है घोंसले में देखे तो 2 अंडा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 अंडा अभी आ चुका है। तो और एक दिन वेट करेंगे, उसके बाद 3 अंडा आती है। हम लोग जितना सुनते हैं, हम लोग बचपन से सुने हैं कि बुलबुल पक्षी जो होती है वो 3 अंडा देती है मिनिमम। उसके बाद जो है के जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे भी आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस वापस हम लोग चल जाते हैं, उसके बाद देखेंगे अभी 2 दिन के बाद फिर आएंगे, आने के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग वापस आ गए हैं, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 3 अंडा आ चुका है। तो अभी अंडे के बाद जो है 21 डेज का बाद में हम लोग आके देखें जो बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, और देख सकते हैं पूरा 3 ही अंडा है, 3 बच्चा भी पूरा बराबर से एकदम सही है। सो दोस्तों आप लोग का जानकारी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, तो मुझे तो इतना पता नहीं है कितना दिन में बड़ी होती है और कितना दिन में इनको उड़ना आता होगा। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस प्यारी सी पंछी के लिए एक लाइक और फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जितना हो सके शेयर कर लेना। फिर नए ब्लॉग के साथ आऊँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।